हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है? आज का हमारा सब्जेक्ट ये है कि जब आपके मतलब जब आपका जहाँ पर सेटअप है तब आपके मतलब इन्वायरमेंट क्लाइमेट जब खराब हो जाता है। अभी आप दिख रहा नहीं होगा कि पर तभी भी नागपुर सिटी में अभी कुछ क्लाउडी मौसम है जिसकी वजह से मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी कम है। इस वक्त पर आपको आपके बजिश के लिए और कोई भी बर्ड हो तो उनके लिए करना क्या है। आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के सब्सक्राइब के बाजू में एक बटन होंगे बेल आइकन के, उसको दबाइए, जिसकी वजह से आपको मेरी नई नई वीडियोस आपको डेली मिलते रहेंगे। और वीडियो को तब तक लाइक कीजिए। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपको पहला बता देता हूँ टॉपिक। आपका पहला टॉपिक है कि जो आपका पानी रहता है पीने का, मतलब इनका जो पानी रहता है पीने का, ये आपको बिल्कुल भी ठंडा नहीं रखना है। आपको इनका पानी वार्म रखना है, एकदम गर्म भी नहीं रखना है, एकदम ठंडा भी नहीं रखना है। और फिर दूसरे इस पर आते हैं। दूसरा हमारे एक ही सीड्स, जो आपको सीड्स दिख रही होंगी, ये सीड्स है। हम मतलब फीडर भी हमारे इधर सीड्स भी है। आपको करना क्या है कि जो आपके सीड्स होगा, आपको ध्यान ये रखना है कि आपके सीड्स को बर्ड्स के बजिस के सीड्स को मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, जिसके वजह से उनका जो सीड्स रहेगा वो भी ख़राब हो सकता है। और जो थर्ड पॉइंट की तरफ है, जो आप जो उनको कुछ खिलाते हो, पालक, मेथी, सांबर, कैलीफ्लावर, मोटर, चने, जो भी खिलाते हो, आपको ऐसे क्लाउडी मौसम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दो, अगर आप समझो कि अभी रख रहे हो, आपको वो उनका ख़त्म होने के बाद आपको बिल्कुल 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको वहाँ से वो हटा ही देना है पूरी तरीके से, मतलब थोड़ा सा भी नहीं रखना है। होता क्या है कि अगर आप वैसे ही रखेंगे तो वो गीला रहता है मेथी पालक की सब, जिसके वजह से होता है कि 2 घंटे के बाद उसके ऊपर बैक्टीरिया लगना शुरू भी हो जाएगा। आप अगर 2 घंटे के बाद जब भी उसकी बांस लोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ख़राब बांस आती है, इसलिए कुछ देर के बाद उसके ऊपर बैक्टीरिया लगता है, इसलिए आपको वो वहाँ से उठा देना है। अगर बैक्टीरिया लगेगा तो आपके बर्ड की तबीयत भी ख़राब हो सकती है, लूज मोशन लग सकता है, फिर वो इस टेट्रासाइक्लिन दो, ये गोली दो, वो गोली दो। यही था थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये कि आप अगर सैनिटाइज करते हो कमरे को, जो आप पानी मारते हो, उस जब क्लाउडी मौसम रहता है तब बहुत ही कम मारना है, अगर मारना है तो बहुत ही कम मारना है। मेरे हिसाब से तो मारना ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत क्लाउडी हो जाता है। अगर समझ जाए कि आपका कोई डर्टी प्लेस है, इस मतलब जहाँ पर वो जिनके वहाँ पर पॉटी गिरती है, वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा सैनिटाइज कर सकते हो, पर आप वहाँ पर जहाँ पर उनकी मटके रहेंगी आजू बाजू, वहाँ पर सैनिटाइज बिल्कुल नहीं करना क्योंकि गीला हो जाएगा, उनकी वजह से तबीयत खराब हो सकती है, बैक्टीरिया लग सकते हैं। ये था फिफ्थ पॉइंट। और सिक्स पॉइंट ये कि आपका कमरे का टेम्परेचर, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अगर आप कमरे का आपका सेटअप का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखेंगे तो वो मर भी सकते हैं। आपको कम से कम रूम का टेम्परेचर कम से कम आपको 25 से 30 डिग्री तक रखना ही है। आप आपके कमरे में 100 वाट का बल्ब, 200 वाट का बल्ब भी जला सकते हो कि जिसके वजह से कमरे में गर्मी रहेगी। ये था सिक्स पॉइंट। और सेवन पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेवन पॉइंट ये है कि जो आपकी खिड़की रहती है, यहाँ पर खिड़की खुली है, आपको करना क्या है कि जो खिड़की है आपको पूरी बंद कर देने, जहाँ पर आपका छोटा सा होल होगा सिर्फ वही एक ही खिड़की खुली रखनी है वेंटिलेशन के लिए, नहीं तो बाकी कोई ज़रूरत नहीं है उसको खोलने, मतलब खोलने के लिए जहाँ से ठंडी ठंडी हवा भी आ जाएंगी आ रही है, वो आपको पूरी तरीके से बंद रख दे, खिड़की दरवाजे आपको पूरे बंद रख देना है, जहाँ से हवा आती है आपको बंद ही रखना है क्योंकि उसके वजह से हवा लगने से भी उनकी मौत हो सकती है। यही था एट पॉइंट। एट पॉइंट ये कि जो आपके लव बर्ड्स रहते हैं, मतलब कोई भी बर्ड्स हो, उनके पास कुछ ना कुछ जो आपको खेलने के लिए रखना ही है, क्योंकि होंगे क्या कि उससे अगर वो खेलते रहेंगे दिन भर तो उनके वजह से उनके अंदर हीट जनरेट होती रहेंगी, जिनके वजह से उनको हीट लगते रहेंगे। और वो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।